अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द बायोलॉजी। आज का हमारा टॉपिक जो है दैट इज़ द रेस्पायरेशन इन मैन, के जो सांस लेने का फिनोमिना है वो किस तरह परफॉर्म होता है ह्यूमंस के अंदर। तो इसके अंदर जो है हम सबसे पहले जो है वो देखेंगे कि किस तरह जो है डिफरेंट जो है ऑर्गन्स मिलके वो एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। तो इन मैन रेस्पायरेटरी सिस्टम इंक्लूड्स लंग्स एंड एयर पैसेजेस which are responsible for carrying fresh air in respiratory cells. So, air passageways के अंदर जो है air passageways consist of nostrils, nasal cavities, pharynx, larynx, trachea, bronchi, bronchioles, alveoli ducts and alveoli sacs. तो ये जो sequence है, इस sequence को जो आपने जो है वो याद रखना है कि इसी sequence wise जो है हमारे अंदर जो है air जो है वो enter होती है। और वाई दिस इज कॉल्ड द एयर पैसेज वे। एयर पैसेज वे इसको क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये हमारे लंग्स तक हवा के पहुंचने का जो है वो रास्ता है, ठीक है, जिसके अंदर जो है सबसे पहले नॉस्ट्रल्स आते हैं, उसके बाद फिर नेजल कैविटी आती है, नेजल कैविटी के बाद जो है फिर फाइनेक्स आता है, उसके बाद जो है फिर ट्रेकिया आता है, फिर लैरिनेक्स आता है, उसके बाद ब्रोंकाई आते हैं, उसके बाद जो है फिर ब्रोंक्यूल्स आते हैं, फिर एल्वुलाई सैक्स आते हैं और एल्वुलाई डक्ट्स जो है ये सारे जो है एक खास सीक्वेंस में जो है प्रेजेंट होते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं नेजल कैविटी जो है वो कैसे काम करती है। नेजल कैविटी आर लाइंड विद द म्यूकस मेम्ब्रेन्स ऑफ सीलिएटेड एपिथेलियम। ईच नेजल कैविटी इज डिवाइडेड इनटू अ थ्री पैसेजवे बाय द प्रोजेक्शन ऑफ बोन्स फ्रॉम वॉल ऑफ द इंटरनल नोज। लार्ज डस्ट पार्टिकल्स आर ट्रैप्ड बाय हेयर एंड म्यूकस इन द नॉस्टिल्स। तो नेजल कैविटी के अंदर या नॉस्टिल्स के अंदर क्या होता है कि जो एयर की हम इनटेक करते हैं इंस्पायरेशन के दौरान, उसके अंदर जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो म्यूकस मेम्ब्रेन और हेयर के साथ जो है वो ट्रैप हो जाते हैं। एयर व्हाइल पासिंग थ्रू नेजल कैविटी बिकम वार्म मॉइस्ट एंड फिल्टर ऑफ स्मॉल फॉरेन पार्टिकल्स बाय म्यूकस मेम्ब्रेन। नेजल कैविटी लीड्स इनटू अ फारिनेक्स और थ्रोट बाय इंटरनल ओपनिंग्स। Pharynx is a muscular passage lined with a mucous membrane. Air is channelized from pharynx to larynx. अच्छा, ये डायग्राम मैंने आपके सामने ड्रॉ की हुई है। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि ये जो है ये माउथ है, ये जो नोज है जिसको हम जो है वो नोस्टल्स कहते हैं, उसके बाद ये वाला पोर्शन जो है दैट इज द नेजल कैविटी। तो नेजल कैविटी से ये आप एरो देख रहे हैं, यहाँ से एयर जो है वो एंटर होती है, एंटर होने के बाद जो है वो ट्रेकिया में पहुंचती है, ट्रेकिया को हम विंड पाइप भी कहते हैं, उसके बाद वो लैरिनेक्स में आती है, लैरिनेक्स से फिर वो रिंग्स ऑफ कार्टिलेज में पहुंचती है, इन रिंग्स ऑफ कार्टिलेज से होती हुई फिर वो ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स और एट द एंड एल्वुलाई सैक्स तक पहुंचती है। लेकिन जो अभी हमने डिस्कस किया है उसके अंदर उसने क्या बताया है, उसने कहा कि इस नेजल कैविटी के अंदर जो है म्यूकस मेम्ब्रेन जो है प्रेजेंट होती है, ठीक है, वो क्या करती है हमारी एयर के अंदर जिसकी हम इनटेक करते हैं उसमें से डर्ट पार्टिकल्स को वो ट्रैप कर लेती है, उसके अलावा उसको मॉइस्ट और वार्म रखती है, ठीक है। तो ये सारा फिनोमेना जो है इस जगह पे हमारे नोस्टल्स में या नेजल कैविटी के अंदर जो है वो परफॉर्म होता है। उसके बाद एयर चैनल इस पर चैनलाइज फ्रॉम फारिनेक्स टू लैरिनेक्स, फिर वो क्या करता है एयर चैनल जो होता है वो फारिनेक्स से जो है फिर लैरिनेक्स की तरफ जो है वो मूव करता है। ओके, अब हम डिस्कस करेंगे लैरिनेक्स के, लैरिनेक्स के अंदर जो है कौन सा फिनोमेना परफॉर्म होता है। लैरिनेक्स और वॉइस बॉक्स इज कॉम्प्लेक्स कार्टिलेजिनियस स्ट्रक्चर्स सराउंड अपर एंड ऑफ द ट्रेकिया। तो लैरिनेक्स क्या करता है, ये ट्रेकिया के अपर वाले पार्ट को जो है उसको जो है वो सराउंड करता है। वन ऑफ द कार्टिलेज एपिग्लॉटिस हैज मस्कुलरली कंट्रोल्ड हैंड लाइक एक्शन एंड सर्व एज अ लिड व्हिच ऑटोमेटिकली कवर्स द ओपनिंग ऑफ लैरिनेक्स। तो एपिग्लॉटिस जो है वो क्या करता है, वो लैरिनेक्स के ऊपर एक ओपनिंग का काम करता है। वो क्या करता है, वो लैरिनेक्स को क्लोज कर देता है जब हम कोई जो है वो खुराक खाते हैं या हम पानी पीते हैं। व्हिच ऑटोमेटिकली कवर्स द ओपनिंग ऑफ लैरिनेक्स ड्यूरिंग द एक्ट ऑफ स्वॉलिंग। द ओपनिंग ऑफ लैरिनेक्स इज कॉल्ड ग्लॉटस। तो जो लैरिनेक्स की ओपनिंग है उसको हम ग्लॉटस कहते हैं। इट आल्सो लाइंड विद द म्यूकस मेम्ब्रेन। तो उसके अंदर भी म्यूकस मेम्ब्रेन जो है वो प्रेजेंट होती है। उसके बाद वोकल कॉर्ड इन द ग्लॉटस म्यूकस मेम्ब्रेन इज स्ट्रेच अक्रॉस इनर टू थिन एज फाइब्रस बैंड्स कॉल्ड वोकल कॉर्ड। अच्छा, वोकल कॉर्ड वो पार्ट होता है हमारे नेक रीजन के अंदर जिसकी वजह से हमारी आवाज निकलती है, ठीक है, जिसकी वजह से हम बोल पाते हैं। तो कहता है कि वो बेसिकली जो हमारे बॉडी के अंदर जो हमारे थ्रॉट के अंदर जो वोकल कॉर्ड होता है वो एयर की वजह से जो है वो वाइब्रेट करता है। क्यों वाइब्रेट करता है, क्योंकि उसके अंदर जो है वो थिन मेम्ब्रेन्स होती हैं, ठीक है। इन द ग्लॉटस म्यूकस मेम्ब्रेन्स इज स्ट्रेच अक्रॉस इनटू अ टू थिन एज्ड फाइबर्स बैंड्स कॉल्ड वोकल कॉर्ड।
विच हेल्प इन वॉइस प्रोडक्शन व्हेन वाइब्रेटेड बाय हेयर। ठीक है, तो ये जो थिन एज फाइबर्स बैंड्स होते हैं, ठीक है, जो किससे मिलकर बने होते हैं, जो कि म्यूकस मेम्ब्रेन के स्ट्रेच होने से बनते हैं, इसमें से जब एयर गुजरती है तो वाइब्रेशन होती है और वॉइस की प्रोडक्शन होती है। तो दैट इज द फंक्शन ऑफ वोकल कॉर्ड। उसके बाद ट्रेकिया और विंड पाइप, इट इज अ ट्यूबुलर स्ट्रक्चर लाइन वेंट्रल टू द एसोफेगस एंड एक्सटेंड टू द चेस्ट कैविटी और थॉरेक्स विद इट्स डिवाइड इनटू अ लेफ्ट और राइट ब्रोंकाई। तो हमने कहा ट्रेकिया को हम विंड पाइप भी कहते हैं और ये क्या करता है, ये हमारे जो नेक रीजन से नीचे जाके ये डिवाइड होकर ब्रोंकाई में कन्वर्ट हो जाता है। इन द वॉल ऑफ ट्रेकिया देयर आर अ सीरीज ऑफ सी शेप्ड कार्टिलेज रिंग्स व्हिच प्रिवेंट ट्रेकिया फ्रॉम कोलैप्सिंग एंड कीप पैसेज ऑफ एयर ओपन। अच्छा, कहता है ट्रेकिया के अंदर जो है ना कार्टिलेज जो है वो मसल्स पाए जाते हैं, बट दे आर सी शेप्ड रिंग्स होते हैं। वो क्या करते हैं, बेसिकली गोल से सर्कल से रिंग्स होते हैं, ये देख रहे हैं आप, ये जो ग्रीन कलर के मैंने सर्कल रिंग्स बनाए हैं, ये क्या करते हैं, ये जो विंड पाइप या ट्रेकिया होता है उसको क्लैप्स होने से बचाते हैं, यानी ये उसको ओपन रखते हैं। इन द वॉल ऑफ ट्रेकिया देयर आर सीरीज ऑफ सी शेप्ड कार्टिल रिंग्स व्हिच प्रिवेंट ट्रेकिया फ्रॉम कोलैप्सिंग एंड कीप पैसेज ऑफ एयर ओपन। Each bronchus on entering the lungs divided and some divided into a smaller and smaller bronchi. तो bronchus जो होता है वो जब हम lungs के अंदर enter होता है तो वो smaller than smaller bronchi के अंदर convert हो जाता है। When the smaller bronchi attain a diameter of 1 millimeter or less, they are called bronchioles. अच्छा, यहाँ पे आपने बेसिकली जो है वो ब्रोंकस, ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स में फर्क याद रखना है। ब्रोंकस जो होता है वो ट्रेकिया के साथ अटैच होता है और वो क्या करता है, वो हमारे लंग्स के अंदर डिवाइड होता है, उसको हम ब्रोंकस कहते हैं। उसके बाद ब्रोंकस से जो है आगे ब्रोंकाई बनता है, जब ब्रोंकस फर्दर डिवाइड होता है तो उससे ब्रोंकाई बनता है, और जब ब्रोंकाई जो होता है वो 1 millimeter और लेस जो है वो डायमीटर जो है वो अटेन कर लेता है, देन दैट बिकम्स अ ब्रोंक्यूल्स, उसको हम ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। Bronchi have same cartilage rings as trachea, but rings are progressively placed by irregular distributed cartilage plates. तो उसने कहा ब्रोंकाई के अंदर जो है ट्रेकिया की तरह ही कार्टिलेज टिश्यूज होते हैं, लेकिन वो क्या होते हैं कि वो रिंग शेप नहीं होते, ठीक है, बल्कि वो इरेगुलरली जो है वो अरेंज होते हैं, दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड कार्टिलेज प्लेट्स, उसके अंदर कार्टिलेज प्लेट्स होते हैं जो ब्रोंकाई के अंदर होते हैं। And bronchioles totally lack cartilage. Bronchioles are made up of a mainly circular smooth muscles. तो हमने याद रखना है कि ब्रोंकस या ब्रोंकाई के अंदर जो है कार्टिलेज होते हैं, लेकिन वो प्लेट्स की तरह के होते हैं, दे आर नॉट सी शेप्ड, लेकिन जो ब्रोंक्यूल्स होते हैं वो सिर्फ स्मूथ मसल से मिलकर बने होते हैं, ब्रोंक्यूल्स के अंदर जो है वो कार्टिलेज भी जो है वो प्रेजेंट नहीं होते। उसके बाद एयर सैक्स, ब्रोंक्यूल्स कंटिन्यू टू डिवाइड एंड सब डिवाइड डीप इनटू द लंग्स एंड फाइनली ओपन इनटू अ लार्ज नंबर ऑफ एयर सैक्स व्हिच आर द फंक्शनल यूनिट ऑफ द लंग्स। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट जो है ये MCQs भी आ सकता है कि फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स क्या है, तो अपने याद रखना है एयर सैक जो है वो फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स है। ये कैसे बनते हैं, जब ब्रोंकियोल्स जो होते हैं वो डिवाइड होते हैं फर्दर एंड फर्दर, तो उससे जो है फिर हमारे पास जो है वो एयर सैक्स आते हैं। उसके बाद एल्वियोलाई, ईच एयर सैक्स कंसिस्ट ऑफ सेवरल माइक्रोस्कोपिक सिंगल लेयर स्ट्रक्चर कॉल्ड एल्वियोलाई। ओवर लाइन द एल्वियोलाई देयर इज अ नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज टू प्रोड्यूस एन एक्सीलेंट साइट फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एल्वियोलाई वो बेसिकली एयर सैक्स के ऊपर साइट्स होती हैं जहां पे ब्लड कैपिलरीज जो है वो क्या करती हैं, वो ऑक्सीजन की इनटेक करती हैं। इसकी डायग्राम मैंने ये आपके सामने बनाई, ये डायग्राम आप देख सकते हैं, ये पोर्शन मैंने इस एल्वियोलाई के पोर्शन को मैंने इनहांस करके दिखाया है। ये इसके ऊपर जो है हमारे लंग्स में दो तरह की जो है वो ब्लड कैपिलरीज जो है आ रही है, एक पल्मोनरी वेन्यूल है दैट कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द हार्ट, ठीक है, ये ऑक्सीजन ब्लड लेके आती है, दूसरी पल्मोनरी आर्टरियोल है, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो हार्ट की तरफ जो है वो हार्ट से लेके आ रही है, ठीक है। तो इस मैकेनिज्म में काम करते हैं और एल्वियोलाई सैक्स के ऊपर आके ये ब्लड कैपिलरीज इतनी थिन हो जाती हैं कि ये ब्लड के साथ जो है वो गैसेस की एक्सचेंज करती हैं, जो कि एल्वियोलाई का काम है। उसके बाद हम लंग्स की बात करेंगे। लंग्स एज इट इज जो है ये हमारी चेस्ट कैविटी में प्रेजेंट होता है, ठीक है, इट इज अ स्पॉन्जी लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, और जो लंग्स होते हैं इसकी चेस्ट कैविटी का जो फ्लोर होता है उसको हम डायफ्रैगम कहते हैं, देयर इज अ डायफ्रैगम इन आवर लंग्स, ठीक है। तो चेस्ट कैविटी इज बाउंडेड बाय रिब्स एंड मसल्स ऑन साइड्स, फ्लोर ऑफ चेस्ट कैविटी इज कॉल्ड डायफ्रैगम, डायफ्रैगम इज अ शीट ऑफ स्केलेटल मसल्स। तो ये भी हमने एमसीक्यू के वाले से याद रखना है कि जो डायफ्रैगम होता है वो स्केलेटल मसल से मिलकर बना होता है। उसके बाद पलूरा, लंग्स आर कवर्ड विद अ डबल लेयर थिन मेम्ब्रेन सैक्स कॉल्ड पलूरा। तो ये आप हमारे ये लंग्स ये डायग्राम आप देख सकते हैं, इसके एक्सटर्नल ये ग्रीन कलर की बाउंड्री है, दिस इज अ पलूरा, दिस इज अ
फ्लोर ऑफ द चेस्ट कैविटी जिसको हम डायफ्रैगम कहते हैं, और इसके अंदर जो है ये हमारी लंग्स जो है वो मौजूद है। तो इस तरीके से जो है फिर क्या होता है कि हम लोग जो है वो इनहेलेशन और एक्सहेलेशन का फिनोमिना जो है वो परफॉर्म करते हैं। थैंक यू।